है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आरती भी ब्लॉग। फ्रेंड्स, मेरे सब्सक्राइबर ने सूजाबाद की वीडियो मांग रखी थी, तो हम बोले थे कि हमें पूरा वहाँ की वीडियो दिखाइए, तो हम इस बार पूरे अच्छे से वीडियो को कवर करने पहुँच गए हैं। और अगली बार हम वीडियो बनाए थे, इसके पहले भी तो हम पूल का ही कवर लिए थे और सूजाबाद का अच्छे से वीडियो नहीं बनाए थे, थोड़ा बहुत दिखाया थे, तो उनको पूरी वीडियो चाहिए थी। तो आप साथ ही आप लोग का भी इंतज़ार ख़त्म हुआ और उनका भी इंतज़ार ख़त्म हुआ। और देख सकते हैं कि अभी हम सूजाबाद लेफ्ट साइड हैं, तो इधर आपको कोई घर वगैरह कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होगा। तो सूजाबाद जो घाट है वो राइट साइड बना हुआ है, तो अभी चल के आपको हम दिखाएंगे। एक देख सकते हैं कि दूर दूर तक कोई आपको दिखाई नहीं देगा बिल्कुल। ये दो चार लोग यहाँ पर जो झोपड़ी बना के रहते हैं, और कभी कभी उस पार से लोग बहुत इस पार नहीं आ पाते हैं, तो यहीं पे इन लोग लाश भी जलाते हैं। ऊपर से हम ये फूल का कवर किए हैं, देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। तो ये है राइट साइड सूजाबाद घाट, तो आप देख सकते हैं कुछ लोग यहाँ पे पिकनिक मना रहे हैं, और यहाँ पर आपको काफ़ी भीड़ भाड़ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होगा। दो तीन नौका वाले थे, बाकी और कोई नहीं था। और ये आप जो बाउंड्री देख सकते हैं, अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं। ये मंदिर है अघोरेश्वर जी का। तो आप देख सकते हैं मंदिर इस टाइप का है। यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी शांति है, और गंगा माँ इधर से बिल्कुल लग रही है कि बिल्कुल एकदम हलचल कुछ भी नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है, बिल्कुल शांत। तो आइए चलते हैं खिड़किया घाट। तो हम आ गए हैं खिड़किया घाट। ये खिड़किया घाट अर्धचंद्रकार घाटों की मनोहारी, काशी में एक अलग घाट बनने वाला है, जो कि दुनिया भर के पर्यटकों के लिए अब ये खिड़किया घाट एक नया केंद्र होगा, क्योंकि अब ये वाराणसी के नक्शे में भी आने वाला है, और साथ ही टूरिस्ट डेस्टिनेशन जल थल और नभ से ये सुना है कि जुड़े वाला होना है, ये जुड़ा रहेगा। जहाँ तक कि घाट पर अब एयरपोर्ट और स्टेशन से पहुंचना अब बेहद होगा। नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन के जनरल मैनेजर अनिल यादव ने बताया है कि करीब 11.5 एकड़ में ये घाट बन रहा है। कार्य की लागत लगभग 35.83 करोड़ है, जो कि जुलाई इसी साल बन करके रेडी होने वाला है। आपको बता दें कि 80 घाट और दशाश्वमेध घाट पर पर्यटक अधिक आते हैं, लेकिन घाटों तक आसानी से वाहन वगैरह गाड़ी उड़ी नहीं पहुंच पाती है। इसीलिए खिड़किया घाट को बनाया जा रहा है, जो कि पूरी तरह आधुनिक सुविधाओं के साथ ही ये होगा। इसके साथ ही मसलन पर्यटक यहां से काशी विश्वनाथ मंदिर का टिकट भी ले सकेंगे। यहां पर वाटर स्पोर्ट, लाइब्रेरी, मॉर्निंग वॉक और व्यायाम की भी सुविधा होगी, और नौका विहार करते हुए श्री काशी विश्वनाथ धाम जा सकेंगे, वो भी बहुत आसानी से, और घाटों का सौंदर्य भी आप यहाँ से अच्छे से देख सकेंगे। और यहाँ पर फूड प्लाजा, आरओ प्लांट, हेडीक्राफ्ट मार्केट भी होगा।
यहाँ पर बहुउद्देशीय प्लेटफार्म भी बन रहा है जिस पर कि एक साथ दो दो हेलीकॉप्टर यहाँ पर उतर सकेंगे। तो हुई ना बहुत ही अच्छी बात।